कुछ इस तरीके का सेटअप था। मूछ नहीं खड़ी होगी तब तक मजा नहीं आता यार। एक ग्रोसरी स्टोर मिल गया और वहां से इतना सारा दूध और ये सारे आइटम। जय श्री राम बोल के बढ़ते हैं आगे। तो भैया करंट अपडेट ये है कि आगे 40 किलोमीटर दूर एक लैंडस्लाइड हो गया है। 5-7 किलोमीटर बाद इधर लैंडस्लाइड हुई तो उस वजह से जाम बहुत है, तो हमें शायद यू टर्न ही लेना पड़ेगा। अपने को अपडेट मिल गई है। देखो अगर हम यहीं खड़े रहते हैं ना तो यार यहीं गाड़ी में नाइट स्पेंड करनी पड़ जाएगी। गुड मॉर्निंग गाइस, हम अभी उठ चुके हैं, जस्ट टाइम लगभग 8 बजने वाले हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और यार ये एक्सपीरियंस बताओ यार, कैसा रहा है? मजा आ गया, बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगी, एकदम अच्छी। टेंट लगा हुआ है, मैं टेंट के कॉर्नर पे खड़ा हूँ और आपको व्यू दिखाता हूँ। कल कुछ ऐसी जगह है, देवदार के पेड़ों के नीचे हमारा स्टे था। गुड मॉर्निंग फ्रॉम नारकंडा। अभी हम इधर देखिए, एक तरफ है जंगल और अच्छे। हमारा कल का सेटअप बहुत बढ़िया था, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का सेटअप था। अभी तो यहाँ पे शूट चल रहा है। कल रात भी ऐसा कुछ फील नहीं हुआ कि जैसे कोई एक्स्ट्रा आवाज आना या कुछ भी, बड़ा रिलैक्स होके सो। इसमें स्पेस बहुत था, पूरा स्पेसियस टेंट है। इसकी लगभग लेंथ देखें तो 7 फीट का आदमी भी आराम से सो सकता है, तो हम बड़े आराम से इसके अंदर सो गए थे और बिल्कुल भी थकान नहीं हुई। होपफुली हम कल भी, यानी आज भी हम ऐसे ही कोई अच्छी जगह जाके कैंपिंग करें। बाकी ये जगह काफ़ी अच्छी मिल गई थी, आज का देखते हैं कि हम कहाँ क्या ढूंढ पाते हैं। तो ये नीचे की तरफ है जंगल जिधर मैं अभी जा रहा हूँ। ऊपर देवदार के पेड़ है, देवदार के पेड़ों के बीचों बीच, और बहुत अच्छी जगह बनी हुई है, बहुत ही रिलैक्सिंग है। और यहाँ अगर आसपास रिवर होती ना भाई, मज़ा आ जाता, रिवर व्यू हमें मिलता। तो बताइए, यहाँ पे ज़्यादा कोई ऐसा जानवर नहीं है लेकिन मंकी बहुत घूम रहे हैं। कितना अच्छी चीज़ें हैं यार, बहुत ही खूबसूरत व्यू है यहाँ से। और देखिए आप, देवदार के पेड़ों के बिल्कुल बीचों बीच, तो इन पेड़ों के बीचों बीच हम घूम रहे हैं। मॉर्निंग में जो भी खलारा पाया है हमने, वो सारा अभी समेटने का टाइम आ गया है। इन लोगों के बैग से एक एक दो दो बैग ये डाल के साथ में जाएंगे। कुछ एक्स्ट्रा सामान रहेगा वो गाड़ी में डाल लेंगे। अभी मॉर्निंग में मैंने गाड़ी स्टार्ट की है तो बहुत आराम से स्टार्ट हो गई। ज्यादा ठंडी नहीं थी इधर यार, ज्यादा ठंडी नहीं थी, आराम से हो गया अपना। एंड ये देख सकते हैं आप, अभी टेंट मैंने जस्ट नॉर्मली रखा है, इसको पैक करूंगा अच्छे से, और पैक करने के बाद हम आगे की जर्नी करेंगे। अभी काफी सारे कई सारे मंकीज आ रहे थे तो करके मैंने ना एक बार के लिए गाड़ी स्टार्ट कर दी तो सब चले गए। वो देखो दूर दूर घूम रहे हैं। जगह बहुत अच्छी थी, सबसे बढ़िया बात है कि जगह बहुत अच्छी थी। और इधर से अभी क्या करेंगे कि जो भी तामझाम है ना, ये सारा समेटने का टाइम आ गया है, ये समेटते हैं और फिर इधर से निकलते हैं। और आज का स्टे चितकुल ट्राई करते हैं, चितकुल पहुंचे तो, क्योंकि ये लेट काफी हो गया यार, 10:10 हो गए हैं। तो 11 बजे तक यहाँ से निकलते हैं, ये एक टारगेट बनाते हैं, 11 बजे निकलते हैं। उठ तो यार 7:30 ही गए थे। ए एवरीबॉडी, अभी देखिए रेडी हो चुके हैं, सारा सामान पैक कर लिया है गाड़ी के ऊपर। देखो आप मेन तो ये देखो, इसके ऊपर हमने टेंट को कैसे तैसे करके माउंट किया, मोस्ट ऑफ सामान इसी के अंदर है। और देखो ऐसे व्यू के साथ अपनी थार कितनी प्यारी लग रही है, क्या गजब लग रही है। और अभी इसी रूट से हम आगे जाएंगे, आगे चल के मेन हाईवे आ जाएगा। और ये अपने साथ के भाई बंधु लगे हैं बाइक को पैक करने के लिए, थोड़ा थोड़ा एक एक बैग का ही है, ज्यादा नहीं कर रहे हैं, बाकी तो इसी में डाल दिया सामान। एक एक बैग तो चलो यार एक्स्ट्रा साथ में अच्छा लगता है, लुक अच्छा लगता है बाइक का। लड़कों को बहुत ज्यादा ही टाइम लगता है यार, कब के लगे हैं, अभी तक एक एक बैग भी पैक नहीं हुआ इनसे। और इन भाइयों ने हमारा बहुत ख्याल रखा। हेलो, इधर घूमो, इधर टाटा बाय कर दो, बाय। ओके निकलते हैं अभी। हर हर महादेव, आज का दिन हमारा अच्छा जाए, कल की तरह हमें अच्छी जगह मिले रुकने के लिए। और हमारी गाड़ी तो निकल ली है भाई, वो लोग पीछे पीछे आ रहे हैं, वो भी आ जाएंगे। और ये जगह थोड़ा रोड से हटके थी, देखो आगे की साइड में मेन रोड आ जाएगी अभी थोड़ा सा चलते ही। और मतलब वैसे गांव मतलब विलेज का इलाका था तो मेरे को थोड़ा ज्यादा अच्छा लगा, इसलिए मैंने ये जगह चूज की। और ये रोड देखो कोई ड्रीम डेस्टिनेशन से कम नहीं लग रही है, बहुत ही खूबसूरत रोड है भाई। शक्ल थोड़ा सा अवॉइड करियो क्योंकि कैंपिंग के टाइम पे ना, एक तो आप पे वो आ जाता है, टैनिंग हो जाती है। पहाड़ी इलाका ना, ये वाला इलाका इतना ग्रीन है ना, इतना ग्रीन है, इधर की ब्यूटी बहुत अलग है। कल रात में आए थे तो सही से जज नहीं कर पाए और सही से वीडियो नहीं बना पाया मैं, जस्ट बिकॉज कि मुझे ऐसा लग रहा था कि यार नहीं वो बात नहीं है यहाँ पे। इतना मेरे को लगा था कि यार ये स्पीति टूर मैंने गलत सीजन में चूज कर लिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। स्पीति का अपना अपना टाइम है, कभी भी आओ यहाँ का। ये टाइम पे जो माएं हैं तो इसकी भी अलग ब्यूटी है, ये यहाँ आती हुई ठंड है हमारी मूछे खड़ी करने में, क्योंकि मूछ नहीं खड़ी होगी तब तक मजा नहीं आता यार ट्रैवल करने का मुझे तो। और ये अपनी गाड़ी रही, अभी ये वापस डालते हैं सामान, इतनी गंदे से भर रखी है ना, लेकिन चीजों को मेंटेन करके रखा है यार, हर चीज को ना तरीके से मेंटेन किया। और ये भाइयों की बाइक्स, रोड काफी अच्छी है,
ये है कुमार सेन में, यहाँ पे एक जगह बैठ के खाना खा रहे हैं। व्यू देखिए क्या सुपर अमेजिंग व्यू है, ऊपर की माउंटेन रेंज अच्छी दिख रही है। ये कुमार सेन नाम की जगह है। परौंठे आ गए, दही आ गए, शाही पनीर आ गया, सब कुछ आ गया। अभी एक दो चीजें और भी आने वाली है, उसके बाद यहाँ से फिनिश करके निकलते हैं। खाना पीना हो गया, अभी निकलते हैं। कोशिश करेंगे आज पहुँचने की, बाकी जहाँ तक पहुँच पाएंगे ठीक है, वहीं टेंट वगैरह लगा लेंगे। एक तरफ लैंडस्लाइड है, थोड़ा बहुत आ रखा है। ये कुछ माउंटेन्स ऐसे होते हैं जिनमें लैंडस्लाइड आता ही रहता है। और देख सकते हो हम निकले हुए अभी आगे, रामपुर थोड़ा सा रुकना होगा, कुछ एक सामान लेंगे यार। कैंपिंग में हमारे पास ज्यादा ऑप्शन नहीं थे हैं अभी, मतलब कुछ एक चीजें कम है तो वो चीजें हम बाय करेंगे। बेसिकली मैं यही जानता हूँ, जैसे नारकंडा आता है पीछे, नारकंडा में स्नोफॉल होता है क्योंकि वो हाइट पे है। तो अभी जब हम हाइट पे चढ़ रहे हैं तो ऊपर की जगहों पे स्नोफॉल होता है, नीचे की वैलीज में स्नोफॉल कई बार कम होता है। होता होगा लेकिन आई एम नॉट श्योर कि ज्यादा होता है। जैसे पीछे जब हम जहाँ हमने कैंपिंग की थी ना कुमार सेन के पास, वहां लोगों ने बताया कि इधर ज्यादा स्नोफॉल होता ही नहीं है। तो अभी आगे चल के दो चार चीजें लेनी है, सब्जियां वब्जियां तो हमने ले ली थी रास्ते से, तो अभी देखेंगे आगे जो भी हमें चीजें चाहिएगी वो लेंगे। क्योंकि हमारे पास जब कैंपिंग करते हैं हम, तो हमारे पास सामान पूरा इनफ होना चाहिए ताकि रात को भूखे ना सोना पड़े। जैसे रात हमें थोड़ा सा ऐसे फील हुआ कि हम थोड़ा सा खाली पेट से रह गए। एक ग्रोसरी स्टोर मिल गया और वहां से इतना सारा दूध और ये सारे आइटम और इधर भी सब चीजें उठा ली है। खूबसूरत सी वैली में हमें मिली है ये स्टोर, और इससे हमने इतना और बाकी भाई लोग लेके आ रहे हैं, काफी सामान है। सामान तो हमने पैक ले ही लिया है, यहाँ से कुछ एक हार्डवेयर के टूल्स लिए हैं। भाई बहुत चीजें मिल रही है इधर, आप स्नो के लिए इस तरीके के भी ले सकते हैं। हमने पहले सोचा लेकिन इतना स्नोफॉल नहीं मिलेगा। हार्डवेयर का हमने फर्स्ट टाइम इतना अच्छा स्टोर देखा है हार्डवेयर का। भाई फर्स्ट टाइम देखा तुमने? भाई मैंने भी फर्स्ट टाइम। और इतना फॉर्मेलिटी है ना, जैसे लाइक आप बैंक में हो, पहले वो देते हैं प्रति, फिर जाके अलग से बिल करवाते हो। भाई अभी आगे ऑफ रोडिंग आ गई है और इस तरफ कुछ काम चल रहा है, शायद आप देख सकते हैं नीचे की साइड में। यहाँ पे सतलज नदी बह रही है और रोड ऐसे मिलेंगे, ये ऐसे रोड तो परेशान हो जाएंगे यार। आगे चल के हमें उम्मीद है कि शायद ऐसे रास्ते मिल सकते हैं, अभी से मिल रहे हैं। ये थोड़ा ये देखो नीचे कुछ बन रहा है, इस तरफ शायद टनल बन रही है, इधर टनल सिर्फ ना, इन फ्यूचर शायद रास्ते और पास हो जाएंगे। हाँ नदी है, बहुत खूबसूरत रिवर आ रही है और ये मंदिर है, जय शनिदेव जय शनिदेव। और अभी थोड़े माउंटेन्स अच्छे आने लगे हैं, ये आप देख सकते हो। अभी ऐसा लग रहा है जैसे हम मतलब जैसे लद्दाख साइड जाते हैं, वैसा सा सीन लगने लगा है। मुझे ना ग्रीनरी वाले पहाड़ पसंद है बट इतने नहीं है, मुझे एक टाइम के बाद में स्नो चाहिए होती है और स्नो से मेरा कभी भी पेट नहीं भरता। वहां जाके मेरे को प्रॉपरली सेटिस्फेक्शन मिलता है, अब वर्थ है ये ट्रिप। बजरंगबली जय श्री राम बोल के बढ़ते हैं आगे। काफी बड़ा स्टेच्यू है पहाड़ों के बिल्कुल बीचों बीच, और ये अपनी थार गढ़ी। तो ये था माँ दुर्गा का मंदिर और इधर है अपने हनुमान जी का मंदिर, और पीछे की साइड में व्यू अच्छा है। पहले दर्शन कर लेते हैं बजरंगबली के। तो भैया करंट अपडेट ये है कि आगे 40 किलोमीटर दूर एक लैंडस्लाइड हो गया है, तो उस वजह से कह रहे हैं कि 2-3 दिन तक रास्ता बंद रह सकता है। खोलने को तो वो 2 दिन में भी खुल सकता है, लेकिन अभी के लिए तो ये है कि आज हम नहीं जा पाएंगे, ये थोड़ी सी बुरी खबर है हमारे लिए। और वैसे भी इस रूट के पहाड़ थोड़े से आगे चल के लैंडस्लाइड वाले आ जाते हैं, लेकिन मेरा तो ये मानना था कि अगर हमें ना हम अगर चितकुल तक भी पहुंच पाते ना तो 2 रात चितकुल निकाली जा सकती थी। बाकी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम वहां तक पहुंच पाए एक बार, लैंडस्लाइड वाली जो लोकेशन है ना वहां जाके एक बार आपको जो रियल अपडेट है ना वहां की वो दिखा पाए। तो ये आगे चल के आ चुका है किन्नौर द्वार, यानी हम किन्नौर में प्रवेश कर चुके हैं। और ये जो पहाड़ियां आप देख रहे हो ये आगे चल के उतनी डेंजरस होगी जितनी मतलब हम वीडियोस में देखते हैं, मतलब मोस्ट डेंजरस पहाड़ियां कह सकते हैं हम इनको। सब लोग वापस मुड़ रहे हैं जस्ट बिकॉज की लैंडस्लाइड है। देखो एक भी गाड़ी आगे नहीं जा रही है, सभी यू टर्न लेके वापस आ रहे हैं। तो यार मुझे तो ये लग रहा है कि हमें ना आज किस्मत खराब है और टर्न ही लेना पड़ेगा, कोई फायदा नहीं है आगे जाने में। मैं तो ये जानता हूँ कि भाई देखो लाइफ इज वन एंड डोंट टेक रिस्क। जब पता लगे कि अब भाई लाइफ का सवाल बन रहा है तो डोंट टेक रिस्क। देखो
देखो आगे चल रहा है, ऊपर से पानी आ रहा है, ऊपर की पहाड़ियों से बहुत बड़ी मतलब जाम लगा है, एक तरफ ट्रक ही ट्रक लगे हैं। तो ये अपनी गाड़ी खड़ी है और आगे यहाँ देखो ट्रकों का बहुत लंबा चौड़ा जाम हो रहा है। मे भी 5-7 किलोमीटर दूर, 5-7 किलोमीटर बाद इधर लैंडस्लाइड हुई तो उस वजह से जाम बहुत है, तो हमें शायद यू टर्न ही लेना पड़ेगा क्योंकि आगे ऐसी कोई कैंपिंग की लोकेशन नहीं मिलेगी हमें। बाकी अपडेट्स लेने के लिए मैं आगे जा रहा हूँ, हम पूछ के आते हैं कि क्या रहेगा आगे का, क्योंकि यहाँ से टर्न मिल जाएगा, टर्न देके फिर वापस पीछे की तरफ जाते हैं और उधर ही कुछ रुकने का अरेंजमेंट्स देखते हैं। तो ये अपने भाई लोग हैं और अपने को अपडेट मिल गई है। देखो अगर हम यहीं खड़े रहते हैं ना तो यार यहीं गाड़ी में नाइट स्पेंड करनी पड़ जाएगी, बिकॉज यहाँ पे जाम लग रहा है, ट्रकों का जाम, गाड़ियों का जाम, तो उस वजह से क्या फंस जाएंगे। फिर एक काम करते हैं, इससे बढ़िया वापस चलते हैं, जो जूरी भी ले जाया था ना उसके आसपास से कहीं कोई लोकेशन देख के कैंपिंग करते हैं। वैसे आज अंधेरा तो हो गया लेकिन अभी कर भी कुछ नहीं सकते हैं और टाइम हो गया करीब 5:30। होटल है ये द्वारच नाम की जगह है यहाँ पे, एंड यहाँ पे हमें ना एक पार्किंग स्पेस मिल गया, तो हम ये पार्किंग लॉट में ही अपना गाड़ी पार्क कर रहे हैं। इधर देखो ये हमें जगह मिली है, थोड़ा स्पेसियस भी है, यहाँ गाड़ी लग जाएगी और यहाँ हम टेंट खोल लेंगे और उस अकॉर्डिंग हमारी चीज़ें हो जाएगी मैनेज सारी। तो फाइनली सब सेट है, गाड़ी ले जाते हैं। जैसे कैसे करके हमें एक लोकेशन मिली है एंड हमने बात की लोकल से, तो थोड़ा होटल है इधर पास में, यहाँ से हमें थोड़ी बहुत परमिशन मिली है। एक बार हमने गाड़ी लगा दी है, ये आप देख सकते हैं, एंड इसका भी रूफटॉप टेंट खोलेंगे यहाँ से। बढ़िया है, पार्किंग लॉट है, काफ़ी अच्छा स्पेस है, तो यही हमारी गाड़ी और इसका टेंट यहाँ ओपन हो जाएगा। और नीचे के साइड में एक वॉशरूम भी है, यहाँ यूज़ कर सकते हैं, और रूम के अंदर भी हमें परमिशन मिल गई है। तो मैंने ये इसलिए पहना क्योंकि मेरा हेडेक हो रहा है यार, और अभी मैं चेंज करूँगा, थोड़े गर्म कपड़े पहनूंगा, इधर अच्छी खासी ठंड है। हाँ कहाँ कैसे कैसे अरेंजमेंट करके चाय बनाने की कोशिश कर रहे हैं कब तो, और यहाँ पे अपना चल रहा है सेटअप।